नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अब विज्ञान की नहीं, काफ़ी दिन से आपके लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर गणित 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 बंद हो गई है, तो आज हम बात करेंगे आपके गणित सब्जेक्ट के बारे में। तो गणित सब्जेक्ट की आज हम प्रश्नावली जो बात करने जा रहे हैं वो है सत्रवीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये आपकी जो प्रश्नावली है 6 नंबर की है और एक ही प्रश्न आएगा 6 नंबर का इसके अंदर से, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और ये बहुत ही आसान है, प्रश्नावली बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गणितीय माध्य और एक होता है स्थिति संबंधी माध्य। 2 प्रकार के होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, एक होता है गणितीय माध्य और दूसरा होता है स्थिति संबंधी माध्य, यानी स्थिति बताने के लिए। दूसरा देखो, इसके अंदर जो गणितीय माध्य है वो 3 प्रकार का होता है, जो माध्य निकालते हैं वो 3 प्रकार का होता है, एक समांतर माध्य या जिसे औसत भी कहते हैं, समांतर माध्य कह दो या औसत, ये हो गया, दूसरा हो गया गुणोत्तर माध्य और तीसरा हो गया हरात्मक माध्य। और जो स्थिति माध्य होती है वो 2 प्रकार के होते हैं, माध्यक और बहुलक। तो इसके अंदर से आपको सिर्फ समान गणितीय माध्य के अंदर एक ही आपके कोर्स के अंदर है समांतर माध्य, ये एक ही पढ़ना है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जो स्थिति माध्य के अंदर माध्यक और बहुलक दोनों पढ़ेंगे आगे प्रश्नावली में जैसे जैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं समांतर माध्य या औसत क्या होता है इसके बारे में, फिर इसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। देखो समांतर माध्य का मतलब होता है कि मान लो आपके पास कुछ रुपए थे, आपको उसको 5 जनों में बांटने हैं, मान लो 100 रुपए आपके पास और 5 जनों में बांटने हैं, तो कितने कितने रुपए देंगे, 20-20 रुपए, तो यानी सभी को समान रूप से बांटना वो क्या कहलाता है समांतर माध्य। जैसे मान लो कोई टेस्ट हुआ, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 6, 8 भी आए, 4 भी आए और 7 भी आ गए, तो इस तरह से नंबर आए 5 जनों के, मान लो क्लास में 5 जने थे, 500 के ही ये नंबर आए 10 में से, ठीक है। उसके अंदर से आपको क्या है कि इसका समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य बताने के लिए मतलब आपको ये बताना है या औसत बताना है कि अगर सबके बराबर बराबर नंबर आते, ये 5, 6, 8, 4, 7 नहीं, अगर सबको बराबर बराबर नंबर आते तो कितने आते, तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है और उसमें जितनी संख्या है उसी का ही भाग कर देंगे, कितनी संख्या है, कितने जनों ने टेस्ट दिया, 5 जनों ने, तो 5 का, तो इसको जोड़ लेंगे, तो 6 और 5 11 होते हैं, 11 और 8 19 होते हैं, 19 और 4 कितने हो गए 23, 23 और 7 कितने होते हैं 30, तो 30/5, 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, यानी ये अलग अलग नंबर नहीं आकर सबके 6 नंबर आते तो भी 30 नंबर होते हैं, और अलग अलग नंबर आए तो भी कितने हैं 30। समांतर माध्य का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर मिलना, यानी ये पैसे भी हो सकते हैं, रुपए भी, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो आप देखेंगे समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, जो समांतर माध्य होता है इसका सूत्र होता है, इसको अपन x बार से भी लिखते हैं, इसका मतलब भी समांतर माध्य है, इसको कभी कभी माध्य भी बोल देते हैं और औसत भी बोल देते हैं। समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, यानी आपके पास जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सबको जोड़ना है, हमेशा ही समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य का सूत्र क्या है, जो भी आपको पास संख्याएं दी है उन सभी को जोड़ना है और कितनी संख्या है उनका भाग देना है, तो इस तरह से अपन समांतर माध्य निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं का, ये ध्यान रखना है अपने को समांतर माध्य निकालने के लिए। तो अब देखते हैं आपकी प्रश्नावली के एक एक सवाल, तो बात करते हैं आपके जो प्रश्नमाला है 17.1 उसके पहले सवाल के बारे में। तो पहला सवाल क्या है, ये जो सवाल है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, यानी कक्षा में कोई टेस्ट हुआ उसके छात्रों के नंबर आए 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो इनका समांतर माध्य, तो बहुत ही आसान है आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसका हल देखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या,
आपको क्या करना है, इन सभी आंकड़ों को जोड़ देना है। 52 + 45 + 70 + 43 + 40 + 65 + 35 + 38 + 42 + 48 इन सबको जोड़कर ये सभी कितनी संख्याएं हैं देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10 का भाग कर देंगे। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आएगा 520। 520 में 10 का भाग देंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 52। ये क्या आ गया आपके पास, समांतर माध्य। सिंपल सा है, साधारण सा, बिल्कुल आपको संख्याओं सभी को जोड़ना और कितनी संख्याएं हैं उसका भाग देंगे तो आपको सीधा सा उत्तर मिल जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। जो दूसरा सवाल है, अगला सवाल, वो इस प्रकार है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन है 1720 रुपए, 1750, 1760 और 1710 रुपए, तो इनका समांतर माध्य। तो आपको सिंपल सा है, वापस उसी तरीके से करना है। समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सिंपल सा इन सब का रूप योग कर देंगे, 1720 + 1750 + 1760 + 1710 / 4। इन सब का योग कर लेते हैं, इन सब का योग कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखिए इसमें भाग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1735। इसका भाग करेंगे, 4 का इसके अंदर भाग देंगे तो आपके पास ये आएगा 1735। यानी समांतर माध्य का मतलब है कि ये ऐसे रुपए न देके आप बराबर बराबर चारों को देते तो 1735 रुपए आपको देने पड़ते। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला जो तीसरा सवाल है वो इस प्रकार है कि यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, आपको पहले से ही दिया हुआ है समांतर माध्य कितना है 4, तो इसका हल देखो। तो सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ध्यान रहे समांतर माध्य आपको पहले से सवाल के अंदर ये देखो दिया हुआ है समांतर माध्य 4 है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे 4। अब आंकड़ों का योग कर लो, इन सभी संख्याओं का योग कर लो, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे गिन लेंगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ संख्या है तो 8 का भाग करेंगे। तो देखो यहां पर संख्याओं को जोड़ लेंगे और इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो 8 इधर किस में जाएगा, गुणा में, और इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 26 प्लस एक्स, ये एक्स है वो प्लस में ही रहेगा, ये हो गया इसके बराबर, बराबर में ये है। अब देखो 4, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 26 को इधर लाएंगे बराबर के इधर तो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये इधर प्लस का है, प्लस की संख्या को बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस की हो जाती है। अब इसमें से जाएगा 26, 32 में से तो 6 बचेगा, x बराबर कितना गया आपका उत्तर, यानी x की जगह कौन सी संख्या है 6 होगी। अब जैसे ये सवाल किया है, अब आगे के जो चौथा पांचवा और छठा सवाल है वो बिल्कुल पहले दूसरे जैसे है, यानी चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, ये तीनों क्वेश्चन है जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, पहला और दूसरा प्रश्न किया था इस प्रश्नावली का 17 पॉइंट बिल्कुल वैसा है। तो आपको ये खुद प्रैक्टिस करनी है, ये खुद अभ्यास करने हैं ये सवाल। अपन जो अगला सवाल करेंगे वो इससे अगला सातवां सवाल करेंगे, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सातवां सवाल, और देखो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, थोड़ा सा उनसे अलग है। आपको सवाल में कहा है एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, यानी 25 छात्र हैं उनका औसत भार 51 किग्रा, यानी 51 किलो है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 केजी है।
यानी 54 किलोग्राम है, इनका 21 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत बाहर निकालना है। तो आपको पता है वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत बाहर कितना दिया हुआ है, 51 केजी। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग ए के जितने भी छात्र हैं उनका औसत बाहर निकाल, कुल बाहर निकाल लेंगे। तो वर्ग ए के छात्रों का कुल बार, कुल बार निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि जितने छात्र हैं यानी जितनी संख्या है और उनका औसत है, उन दोनों की गुणा कर देंगे, यानी 25 गुणा 51 कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1275 केजी। ऐसे ही वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार है 54 केजी। ये वर्ग ए के लिए निकला है। वर्ग बी के 50 छात्रों का कुल भार, इसमें भी क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 35 गुणा 54। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बी के छात्रों का कुल भार कितना है, 1890 किलोग्राम। तो अपने को क्या करना है, छात्रों का कुल औसत भार निकालना है, यानी 60 छात्रों का औसत भार निकालने के लिए वही होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आपके पास आंकड़ों का योग कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, एक है 1275 प्लस 1890, इसमें भाग कितना देंगे, देखो 60 60 कौन से थे, 25 तो ए वर्ग के थे, और देखो ए वर्ग वाले 25 थे और 35 किसके थे, बी वर्ग के, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 60। तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, तीन हजार 165 केजी। अब इसके अंदर भाग करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा, जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 52.75 केजी, यानी सभी छात्रों का, यानी 60 के 60 छात्र सभी का भार बराबर होता तो 52.75 किलोग्राम होता। देखो आपको दोबारा से क्या करना है, पहले आपको 25 ए वर्ग के 25 छात्र हैं, उनका औसत भार 51 है, तो 25 के 25 यानी एक का अगपण माने हिसाब से कि एक का 51 की जो है, दो का कितना हो जाएगा 102, तीन का कितना हो जाएगा 153, इस तरह से अपन 25 का भार निकाल लिया, तो 25 × 51 कर दिया तो आपके पास आया 1275। इसी तरह बी वर्ग के 35 का भार है 54, औसत है 54, तो एक का 54, दो का कितना हो जाएगा 108, तो इस तरह से 35 का निकाला तो 35 × 54 तो 1890। फिर आपको क्या है, सभी कुल छात्र कितने हैं, 25 इसमें 35 इसमें, टोटल 60 छात्र हैं, 60 छात्रों का औसत भार निकालना है तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी ए के छात्रों का कुल भार और बी के छात्रों का कुल भार जोड़ दिया और कुल छात्र कितने हैं 60, इन दोनों को जोड़ के इसमें भाग किया तो 52.75 आपका औसत आ जाएगा। तो अगला 8वां सवाल है, आपको सवाल दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या, 5 संख्याएं थी एक हटा दी तो कितनी बची 4, तो उनका औसत भार ज्ञात करना, यानी हटाई गई संख्याओं का कौन सी हटाई थी वो ज्ञात करनी है। तो देखो इसका हल, पांच संख्याओं का औसत बराबर 18। तो आप क्या करें, एक 5 संख्याएं है वो 18 18 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 90।
अब एक संख्या हटा दी, एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्या कितनी रह जाएगी? शेष चार संख्याओं का, शेष जो चार संख्या बची है का औसत है वो है 16। तो चार संख्याओं का योग, योग कैसे निकालते हैं आपको अभी बताया, 16 जितना औसत होता है जितनी संख्या होती है उसको गुणा कर दो तो 64। ठीक है, पांच संख्या का योग इतना था, बची हुई चार का इतना है तो हटाई गई, इसमें से ये घटा दो, हटाई गई संख्या। ध्यान रखें कैसे निकालते हैं, पांच संख्या कितनी थी 90 माइनस कितना किया 64 तो कितना आ जाएगा 26। तो हटाई गई संख्या कौन सी थी 26। तो यह इसका उत्तर हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो अगला सवाल देखो, नवा सवाल जो इस प्रकार है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में यानी 13 की 13 संख्याओं में 3-3 जोड़ दिया, एक संख्या में 3 जोड़ दिया, दूसरे में भी 3, तीसरी में भी 3, तो सभी संख्याओं में 13 की 13 संख्याओं में 3 जोड़ दिया तो नया माध्य क्या होगा। तो देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा, सिंपल सा सवाल है, 13 संख्याओं का माध्य 24, तो कुल योग कितना जाएगा 13 गुणा 24। तो 13 संख्याओं का कुल योग कितना जाएगा 312, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर। प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो कुल योग कितना जाएगा 312, तो पहले से ही था 13 की 13 संख्याओं में 3-3 जोड़ा गया है, 13 की 13 संख्याओं में क्या जोड़ा गया 3-3 जोड़ा गया है, तो 312 प्लस 39, 13 की 39 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 351। तो इसका माध्य नया माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग कितना है 551 और कितनी संख्या है 13, तो इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27। तो क्या हो गया समांतर माध्य, क्या हो गया नया परिवर्तन, क्या आया नया माध्य 3 बढ़ गया या 3 की वृद्धि होगी। ठीक है, इस सिंपल से ट्रिक और देखो, एक इस सवाल करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, सभी संख्याओं में एक जैसी संख्या जोड़ी जा रही है सभी की सभी में, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य। देखो प्रत्येक संख्या में वही संख्या जोड़ी जा रही है तो बहुत ही सिंपल है, आप सीधे सीधे 24 में भी 3 जोड़ दो, अगर सभी संख्या में वही संख्या जोड़ी जा रही है तो सभी संख्या में 3 जोड़ दो तो माध्य कितना हो जाएगा 27, देख लो 3 बढ़ रहा है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इससे भी याद रख सकते हैं आप कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, प्रत्येक संख्या में अगर मान लो 4 जोड़ा होता, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने का कहता तो यहां 4 जोड़ देते। तो ये सवाल हो गया। अगला लास्ट अंतिम सवाल है, 10वां सवाल, कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 3000 रुपए, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर यानी एक कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है तो शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है वो 3200 रुपए हो जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति से पहले कितना वेतन था, यानी 5 कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है, तो देखते हैं इसका हल। ऐसा सवाल आपने पहले किया था सेम वैसा ही है, देखो
पांच कर्मचारियों का औसत वेतन 3,000 रुपए। तो पांच कर्मचारियों का कुल वेतन, आपको बताया कुल निकालने का क्या तरीका है, जो औसत है उसको कितने कर्मचारी है या कितनी संख्या है उसको गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपए। यानी पांचों को मिला के कितने रुपए मिलते हैं 15,000। अब एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो शेष कितने बच गए, चार। शेष चार कर्मचारियों का औसत वेतन है वो कितना है 3,200 रुपए। तो चार कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, जितनी संख्या होती है उसको गुणा कर दो चार से, तो कितना आ जाएगा 12,800 रुपए। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कैसे निकालते हैं, जितने पांच थे उनका कुल वेतन में से शेष बचे हुए का कुल वेतन घटा देंगे, तो 15,000 माइनस 12,800, तो कितने रुपए बचेंगे 2,200 रुपए। यानी सेवानिवृत्त के कितना वेतन था 2,200 रुपए। ये सिंपल सा सवाल था, देखो कैसे करते हैं, पहले जितनी संख्या होती है जैसे पांच संख्या थी तो पांच को किससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया तो अपने पास कुल वेतन आ जाता है। फिर शेष बचे हुए चार, चार को भी क्या करते हैं उनके चार के औसत से गुणा कर देते हैं तो अपने पास उनकी भी संख्या आ जाती है। फिर एक बचे हुए का निकालना है तो आप क्या करो, इस 15,000 में से जो पहले वेतन था उसमें से अब वाला वेतन क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो सीधा सीधा आपके पास उत्तर आ जाता है। तो ये जो आपकी पर्सनैलिटी 17.1 आपको समझ में आई होगी, अगर कोई सवाल फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें, अगर कोई सलाह है तो हमें जरूर दें। एक छोटी सी विनती है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज ये सब्सक्राइब वाला बटन है और लाइक वाला बटन है जरूर दबा दें। धन्यवाद।